नमस्कार देवियों और सज्जनों, आज हम चाट मसाला बनाएंगे। ये खुमचे वाले की सीक्रेट रेसिपी है चाट मसाला बनाने की। सैंडविच, भेलपुरी और सेवपुरी की जान है ये चाट मसाला। इस चाट मसाले की एक खास बात है, इस मसाले में हम आमचूर पाउडर का इस्तेमाल नहीं करेंगे। तो चलिए सीखते हैं ऑथेंटिक होममेड चाट मसाला कैसे बनाएं। ये है चाट मसाले में लगने वाली सामग्री। चाट मसाले में लगने वाले खड़े मसाले: लौंग 5 ग्राम, बड़ी इलायची 5 ग्राम, ड्राई जिंजर यानी कि सौंठ 50 ग्राम, जीरा 50 ग्राम, काली मिर्च 50 ग्राम, खड़ा धनिया 50 ग्राम, सेंधा नमक 250 ग्राम और काला नमक 50 ग्राम। गैस को ऑन करेंगे और सबसे पहले 50 ग्राम खड़े धनिए को ड्राई रोस्ट करेंगे, भून लेंगे। ज़्यादा वक्त नहीं लगेगा। धनिए को थोड़ा भूनने के बाद उसमें हम जीरा ऐड करेंगे। 50 ग्राम जीरा डालकर उसे भी भून लेंगे। मध्यम आंच पर भूनेंगे। देखिए कलर हल्का सा बदल गया है और धनिया जीरा भुनने की खुशबू आने लगी है। उसे हम निकाल लेंगे। ड्राई जिंजर को कढ़ाई में डालकर उसे भी भुनेंगे। ये है 50 ग्राम ड्राई जिंजर। आप जिंजर पाउडर का इस्तेमाल भी कर सकते हो। अच्छा और फ्लेवरफुल चाट मसाला बनाने के लिए सभी सामग्री को अच्छी तरह से भुनना जरूरी है। बड़ी इलायची ऐड करेंगे और उसे भी भुनेंगे। ये 5 ग्राम बड़ी इलायची है और अब 5 ग्राम लवंग भी डालेंगे और चलाते रहेंगे। हमारा ये मसाला भी भुन चुका है। मसालों की रानी काली मिर्च को कढ़ाई में डालकर उसे भी भून लेंगे। पुराने जमाने में ये काली मिर्च बहुत ही मूल्यवान और बेहद कीमती हुआ करती थी। और सबसे आखिर में काले नमक को भी भून लेंगे ताकि उसमें मॉइस्चर ना रहे। सेंधा नमक भी ऐड करेंगे। चाट मसाले में नमक ऐड करने से आपको रेसिपी में अलग से नमक डालने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप इस चाट मसाले में आमचूर पाउडर ऐड करेंगे तो छाछ में या फिर सैंडविच बनाने के लिए ये चाट मसाले का इस्तेमाल नहीं कर सकते, क्योंकि सैंडविच में आमचूर पाउडर का टेस्ट अच्छा नहीं लगता। हमारी सारी सामग्री भूनकर तैयार है। इन सभी मसालों को ग्राइंड करने से पहले ड्राई जिंजर को हल्का सा कूट कर ऐड करेंगे ताकि ग्राइंड करने में आसानी हो। मसालों को ग्राइंडर जार में डालेंगे। अगर आपको चाट मसाला की ये रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स जरूर करें। साथ में थोड़ा नमक भी डालेंगे और ग्राइंड कर लेंगे। ग्राइंड किए हुए मसाले को छान लेंगे और जो बचेगा उसे फिर से ग्राइंड कर लेंगे। ये ऑथेंटिक चाट मसाला सिर्फ 10 मिनट में तैयार हो जाएगा और महीनों तक आप उसका आनंद उठा सकते हो। आप इस होममेड चाट मसाले को अपने घर पर बनाकर आप अपना व्यवसाय भी शुरू कर सकते हो। तो लीजिए, हमारा फ्लेवरफुल चाट मसाला तैयार है। देवियों और सज्जनों, अब आपको सैंडविच, सेवपुरी, भेलपुरी या कोई भी चाट खाने के लिए खुमचे पर जाने की जरूरत नहीं है। मेरा आपसे अनुरोध है कि आप ये चाट मसाला जरूर ट्राई करें और आपके अनुभव हमारे साथ शेयर करें। आप स्वस्थ रहे, मस्त रहे, तंदुरुस्त रहे। हमारे साथ बने रहने के लिए आपका शुक्रिया, धन्यवाद, नमस्कार।